अस्सलाम वालेकुम जी, अलर्ट स्प्रेड रियल स्टेट के साथ मेरा नाम ब्राना अली है। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। आज आपके लिए फाइव मल्ले का ब्रांडिंग हाउस लेके आए हैं, जिसकी लोकेशन अल्कबी टाउन फेस टू लाहौर है। अल्कबी टाउन फेस टू लाहौर मेन ड्राइविंग रोड लाहौर लेक सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सोसाइटी आती है। खूबसूरत डिज़ाइन में ये तैयार किया पाँच मल्ले के घर अल्कबी टाउन के अंदर है और ये एक डिज़ाइनर हाउस है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। विस घर मैंने आपको बहुत बहुत दिखाए हैं, कुछ आपको स्पेनिश डिज़ाइन में दिखाए होंगे, कुछ आपको क्लासिकल डिज़ाइन में दिखाए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा आर्किटेक्चर है वो आपको मॉडर्न डिज़ाइन में पसंद आता है। विस आज एक ऐसी ही पाँच मल्ला की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। आपको इस घर की डिमेंशन बताते चले, 25x45 इस घर की डिमेंशन है, 25 फुट इस मॉडर्न घर का फ्रंट है और 45 फुट घर की लंबाई है। विस आपके इस पाँच मल्ला अल्ट्रा मॉडर्न घर की अकोमोडेशन बताते चलें, ये ढाई स्टोरी पे घर लोकेटेड है। घर के अंदर हमें चार मास्टर बेड मिलते हैं, डबल टीवी लॉन्च, डबल किचन और एक बड़ी सुडान का कारपोच मिलता है। विस थोड़ा सा मेरे साथ आए, इसके फ्रंट साथ की आपको क्वालिटी बताता हूँ, यानी कि ग्लास वर्क, मॉडर्न टाइल, ब्लैक ग्रे रोगवार और खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया है। एक क्लीन लुक आर्किटेक्चर के अंदर इस सारे फसाद को मैनेज किया गया है। अब चलते हैं घर के अंदर और अंदर जाके आपको दिखाते हैं इसको अंदर से किस तरह का डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कारपेट फ्लोर है और लेफ्ट साइड पे भी आपके कारपेट फ्लोर है और सोसाइटी के अंदर हमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। घर के बाहर हमें गार्डन एरिया मिलता है जिसके अंदर प्लांट स्टोर किए गए हैं। वॉल के ऊपर ब्लैक ग्रे रॉक वॉल और टाइल वर्क का काम किया गया है। घर के बाहर भी आप टाइल वर्क का काम देख सकते हैं और घर के बाहर आप बड़ी गाड़ी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बाहर की स्टेयर है इसमें भी छोटी सी लाइट का इस्तेमाल किया गया है, इसको एलईडी लाइट कहते हैं और स्पेनिश डिज़ाइन के साथ हमें इसका मेन गेट डिज़ाइन मिलता है। इसी गेट के साथ चलते हैं इसके कारपोच की तरफ। हम इसके कारपोच में आ चुके हैं, वन कार स्पेस है, इसमें आप सुडान एसवी जैसी एक गाड़ी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। वॉल में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क का काम किया गया है। इसके फर्स्ट फ्लोर को हम ग्रास से भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह अंदर टीवी लॉन से भी यूज़ कर सकते हैं। दो फैमिली भी इकट्ठी रह सकती हैं, दो भाई भी इकट्ठे रह सकते हैं। अगर आप एक पोर्शन को सेपरेट करके रेंट आउट करना चाहते हैं तो आसानी से इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। मेन डोर डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं और साथ ही हमें कॉर्नर की विंडो मिलती है ग्लास वर्क में। घर के फ्रंट पर 5 फुट स्पेस छोड़ी गई है। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं और खूबसूरत शैंडलियर देख सकती हैं। अब देख सकते हैं इसकी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन को, जिसके ऊपर टाइल वर्क का इंतहाई खूबसूरत काम किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं घर के अंदर और अंदर जाके आपको इसके लिविंग का और बेडरूम का मुकम्मल विजिट करवाते हैं। घर के जो डोर हैं वो येलो पॉइंट लकड़ी के इस्तेमाल किए गए हैं और स्टेयर पर ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। हम घर के अंदर आ चुके हैं, जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। इसका टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम इकट्ठा बनाया गया है, जिसका मैं आपको इस वक्त रिव्यू करवा रहा हूँ। वॉल के ऊपर आप फ्यूचर वॉल देख सकते हैं, खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया है और इसके डाइनिंग रूम और टीवी लॉन्च को इकट्ठा रख के काफ़ी खुली स्पेस बना दी है। आप इसमें अब बड़ी फैमिली की सिटिंग भी कर सकते हैं। विंडो मिलती ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ, बेहतरीन सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं और घर के अंदर हमें फ़ैन इंस्टॉल मिलते हैं। फ्लोर पर आप टाइल वर्क देख सकते हैं 2x4 का, खूबसूरत मीडिया वॉल मिलती है जिसमें यूबी एग्लो शीट का काम किया गया है और खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। टीवी लॉन्च के अंदर भी हमें 2x4x की फ्लोरिंग मिलती है और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है और शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है। विस इस घर की जो डिमांड है वो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के एंड पर ज़रूर मैंशन करूँगा। उससे पहले हमने वीडियो को पूरा लास्ट भी देखना है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर मिलती है और स्टेयर के नीचे हमें मिलती है वार्डरोब, जिसको आप स्टोर रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये इस टाइम स्टोर रूम के तौर पे यूज़ हो रही है। ये इसका मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, किंग साइज़ का ये बेडरूम है। बेड की खूबसूरत बेड फॉल देख सकते हैं आप, जिसके ऊपर खूबसूरत पैलिंग का इस्तेमाल किया गया है। वुडवर्क पे बेहतरीन सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं, खूबसूरत फैन का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन मिलती है ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ। बेडरूम के अंदर हमें खूबसूरत वार्डरोब इंस्टॉल मिलती है और साथ ही फ्लोर पर आप टाइल वर्क देख सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके वाशरूम की तरफ। वॉशरूम में हमें एलईडी मिरर मिलता है और साथ ही ग्रे नाइट मार्बल की वेंटी मिलती है, खूबसूरत वेंटी है ये, और साथ ही हमें कमोड की ऑप्शन मिलती है, ब्लैक शावर मिल जाता है और चॉकलेट कलर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत टाइल। टावर रखने का स्टैंड मिल जाता है हमें, ब्लैक गोल्डन टाइल का इस्तेमाल किया गया है जिसको सीलिंग हाइट तक कम्प्लीट किया गया है। ब्लैक ही हमें वाशरूम के अंदर शावर मिलता है और सीलिंग डिज़ाइन वर्क आप देख सकते हैं। बस इसके वाशरूम का भी विजिट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके खूबसूरत किचन की तरफ।
हम इसके खूबसूरत किचन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा किचन है, 10 मल्ला का इतना बड़ा किचन होता है, जो आपको 5 मल्ला के घर में किचन मिल रहा है। खूबसूरत आप स्टूव देख सकते हैं, ग्रेनाइट मार्बल का काउंटर टॉप दिया गया है और ब्लैक शीट का इस्तेमाल किया गया है। बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है, साथ ही हमें विंडो मिलती, ग्लास वर्क का सेफ्टी ग्रिल में, बैक साइड पे हमें वॉशिंग एरिया मिल जाता है जिसमें मास्टर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। बैक साइड पे जो वेंटिलेशन दी गई है उसमें भी रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। आपको इसके ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल विजिट करवा दिया है, अब आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, इसके फर्स्ट फ्लोर का मुकम्मल विजिट करवाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ये घर जिस किसी के नसीब में, अल्लाह पाक बाई से रहमत, बाई से राहत, बाई से इज्जत, बाई से बरकत वाला उसके लिए बनाए। स्टेयर में आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में दो भाई भी इकट्ठे रह सकते हैं, दो बहनें भी इकट्ठी रह सकती हैं। अगर आप एक पोर्शन को सेपरेट रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आसानी से सेपरेट करके ग्राज से रेंट आउट भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर का ये आप टीवी लॉन्च देख रहे हैं, 2x4x की जिसमें फ्लोरिंग की गई है, सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं और हमें एक प्रॉपर मीडिया वॉल मिलती है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ऊपर की जो वॉल है वो भी आप देख सकते हैं, 9 इंचज़ की वॉल है, सिंपल बेड वॉल देखने को मिलती है हमें। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं, LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है और स्लाइडिंग में हमें इसकी वाटर मिलती है। साथ ही हमें इसका टेरेस मिल जाता है, टेरेस में आप कॉर्नर विंडो देख सकते हैं ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ। मज़ीद थोड़ा सा आगे आए तो हमें अटैच वाशरूम मिलता है जिसमें वुड वर्क में ग्लास इंस्टॉल किया गया है और साथ ही हमें खूबसूरत वेंटी इंस्टॉल मिलती है, कमोड की ऑप्शन दी गई है और हैंड शावर मिलता है। शावर एरिया दिया गया है और जो टाइल वर्क का काम है उसको 8 फुट हाइट पर कम्प्लीट किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल करने वाला है, वो इंशाल्लाह आपको करके देंगे। आपको फर्स्ट बेडरूम का मुकम्मल विजिट करवा दिया है, अब आपको दिखाते हैं इसका खूबसूरत किचन। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन है। किचन के अंदर आप कैबिन्स देख सकते हैं जिसके अंदर स्टूफ इंस्टॉल कर दिया है, वुड करने वाला है, वो इंशाल्लाह आपको करके देंगे। मार्बल का काउंटर टॉप मिलता है, खूबसूरत टाइल वर्क देख सकते हैं और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क भी देख सकते हैं। किचन के साथ ही हमें टेरेस की स्पेस मिलती है, टेरेस में आप देख सकते हैं टाइल वर्क का काम कंप्लीट किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम मिलते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमें 1 बेडरूम मिलता है। हम इसके सेकंड बेडरूम के अंदर आ चुके हैं, खूबसूरत बेड वॉल देख सकते हैं आप और ये किंग साइज़ का बेडरूम है, बल्कि किंग से भी डबल किंग साइज़ का बेडरूम है। सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं आप, डबल विंडो मिलती है ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ और साथ ही हमें वार्डरोब मिलती है जिसको सीलिंग हाइट तक कंप्लीट किया गया है, खूबसूरत शीट का इस्तेमाल किया गया है। साथ हमें खूबसूरत इसका वॉशरूम अटैच मिलता है, आप खूबसूरत मिरर देख सकते हैं और खूबसूरत वेंटी भी देख सकते हैं। वैसे ये आपके भाई की फेवरेट वेंटी है, इस तरह की वेंटी कनाल के घरों में यूज़ की जाती है। कमोड की ऑप्शन मिलती है और साथ ही हमें इसका शावर एरिया मिल जाता है। वैसे आप इसका शावर एरिया देखें, गोल्डन कलर का शावर एरिया, साथ ही हैंड शावर मिलता है। टाइल वर्क का काम टॉप तक कंप्लीट किया गया है और साथ ही हमें कमोड इंस्टॉल मिलता है, हैंड शावर जो है कमोड का उसको भी गोल्डन में रखा गया है। वेस ग्राउंड फ्लोर पे हमें किंग साइज़ का बेडरूम मिलता है, साथ किचन दिया गया है और स्टैंडर्ड साइज़ का हमें इसका टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम मिलता है और साथ ही हमें इसकी सुडान की पार्किंग मिल जाती है, एक काफ़ी बड़ी पार्किंग है घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं हमें 2 मास्टर बेड मिलते हैं, टीवी लॉन्च मिल जाता है और किचन मिलता है। अब हम इसके 2 फ्लोर पे आ चुके हैं, 1 बेडरूम हमें इसके 2 फ्लोर पे मिलता है। आप देख सकते हैं इस बेडरूम के अंदर भी एक ग्लास वर्क में विंडो दी गई है और सिंपल बेड वॉल मिलती है। सीलिंग डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं आप, सिंपल फ्लोर पर 2x2 की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और साथ हमें एक प्रॉपर वार्डरोब मिलती है जिसको वॉल के अंदर फिटिंग किया गया है और साथ हमें एक प्रॉपर वॉशरूम मिलता है, खूबसूरत वेंटी इंस्टॉल की गई है, कमोड की ऑप्शन मिलती है और खूबसूरत टाइल वर्क का काम टॉप तक किया गया है। शावर एरिया मिलता है इस वॉशरूम के अंदर भी हमें। वैसे आपने इस पूरे घर का मुकम्मल विजिट कर लिया है और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि ये आपको घर कैसा लगा है। वैसे इस छत के ऊपर भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और इस घर की जो डिमांड है काफ़ी रीजनेबल इस घर की डिमांड है। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने घर नसीब फरमाए, जिनके पास अपने घर नहीं है और जिनके पास अपने घर हैं उनको अपने घर की खुशी नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखे और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखें। आपको इस खूबसूरत घर की डिमांड बताते चलें, 185 लाख इस घर की डिमांड है, 1,85,00,000 इस घर की डिमांड है और इंशाल्लाह टोकन पर मज़ीद कमी पेशी की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप इस वक्त देख रहे हैं अलाइट स्प्रेड द रियल स्टेट एंड बिल्डर।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।